समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताया और उसके बयान पर हंगामा काफ़ी मचा हुआ है। हमारे साथ क्षत्रिय समाज के ही जहां पर लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो यूपी एसटीएफ है उसको बता रहे हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स है, ये तो स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है। कैसे देखते हैं उनके बयान को आप? मैं कुशल पाल पुंडीर, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अखिलेश का ये बहुत ही घिनौना बयान है। योगी जी जो काम कर रहे हैं प्रदेश में वो निस्वार्थ भावना से और जातिवाद से ऊपर उठ करके कार्य कर रहे हैं। जो उन्होंने टास्क फोर्स को ठाकुर फोर्स बताया है वो सरासर गलत है। ये इनकी मानसिकता, अखिलेश की यादववादी मानसिकता है और इनके कार्यकाल में सारे काम जातिवाद पर हुए हैं। आपने देखा भी होगा और देखने में आया भी होगा मीडिया के माध्यम से कि जो एसडीएम की भर्ती हुई थी उसमें 87 में से 56 एसडीएम यादव थे। तो जातिवाद तो अखिलेश फैला रहा है और इसी तरह की भावना से सरकार को देख रहा है। योगी जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, बिट्टू राणा जी भी यहाँ पर हैं, कैसे देखते हैं? तो कह रहे हैं कि जो स्पेशल ठाकुर फोर्स है एसटीएफ, जो यूपी एसटीएफ की टीम है, ऐसा है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो उसे हर वर्ग की हर बिरादरी की वोट चाहिए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री शुरू में बने थे तो उन्होंने नारा दिया था एटीएम ठाकुर, अहिर ठाकुर मुस्लिम। तो ऐसा नहीं है, जिस आशय से उन्होंने कहा है, अमिताभ यश को जो एटीएस के प्रभारी हैं वो उनकी कभी आंख के तारा हुआ करते थे। सहारनपुर के एसएसपी रहे, गाजियाबाद के एसएसपी रहे, नोएडा के एसएसपी रहे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और कोई भी बदमाश की कोई जाति नहीं होती, बदमाश कोई किसी का वो नहीं होता, ये गलत बात है। कोई एक किसी यादव को मार दिया, मुख्यमंत्री जी ने जब सांसद में उन्हें अपना दुख प्रकट किया था तो यादव का गाँव था, वहाँ एक विशेष वर्ग के जाति के लोगों ने उनके घर फूंक दिए थे, तो यादव जाति के लोग थे तब भी उन्होंने आंदोलन किया था। ये बिल्कुल बहुत ही गलत मानसिकता है और उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल को इसमें अपना अच्छा दिखता होगा, पर ये गलत परंपरा है। कोई ऐसा नहीं है, ठाकुर नहीं है उनके साथ, ठाकुर भी हैं उनके साथ, अमर सिंह जी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, मोहन सिंह उनके बहुत पुराने नेता रहे समाजवादी, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, गलत बात है। क्या ना ठाकुर समाज ने उन्हें जब भी आया उनके साथ रहे, आज भी हैं उनके साथ, और योगी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बदमाश की कोई जाति नहीं होती। ये तो बहुत गलत उन्होंने बयान दिया, बहुत गलत, इसकी तो हम निंदा करते हैं। ठीक है, आप कैसे कहेंगे इसको, कैसे देखेंगे इस बयान को? एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। कोई भी समाज किसी पे भी इस तरह की टिप्पणी करना, अभी बिट्टू ने बताया कि अमर सिंह जी रहे इस पार्टी की नींव रहे, माननीय नेताजी थे उन वो परिपक्व थे, ये बचकाना इसका बयान है। अखिलेश को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। अगर राजनीति करनी है, इसी की पार्टी में कितने राजपूत थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और रही महाराज जी की बात, महाराज जी कोई जाति विशेष नहीं, वो सन्यासी हैं, उनके लिए हर समाज बराबर है। आज जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें आप ये देखो कि हर समाज का प्रतिनिधित्व है, केवल यादव नहीं है या कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने में, यह उचित नहीं है। जिस तरह से इन ऐसी बातें करके जातीय मुद्दों को हवा दी जाती है, तो कैसे देखेंगे आप लोग, कैसे देखते हैं क्षत्रिय समाज? क्षत्रिय समाज, हम जातिवादी रहे नहीं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, उसी भावना से हम काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो कोई जातिवाद पर काम कर ही नहीं रहे, और विशेषकर क्या है कि वो तो राजपूतों की बात सुनते ही नहीं, वो कहते हैं मेरे लिए सब बराबर हैं। तो अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं वो सरासर गलत है, निंदनीय है, और इनको इस तरह के विपक्ष में रहते हुए इस तरह के बयान देना ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ठीक बात है। तो ये सहारनपुर में क्षत्रिय समाज के यहाँ पर लोग थे, इनसे बातचीत हुई है अखिलेश यादव के बयान पर जिसमें उन्होंने स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा था एसटीएफ को। तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा भी कर रहे हैं। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।